हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका हेल्पिंग अभी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वह वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग जब भी कुछ ऑनलाइन, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन ही हो गया है, तो मैक्सिमम हम लोग ऑनलाइन में फॉर्म्स फिलअप करते हैं या ऑनलाइन जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो कभी क्या होता है, बहुत लंबा लंबा 3 या 4 पेजेस का हो जाता है पेज, और वो अचानक क्रैश कर जाता है सिस्टम। ठीक है, तो जब सिस्टम क्रैश कर सकता, हो सकता है कि ओवरहीट के कारण हुआ हो या फिर कुछ बग्स के कारण हो जाए, या जब भी मान अचानक वो शटडाउन हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपने जो उतना घंटा मेहनत किया है, घंटों बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूसली एक एक फॉर्म्स को भरा है, 500 फील्ड्स भरे हैं, और अचानक वो 1 सेकेंड में खत्म, मतलब आपको फिर से भरना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो इस फ्रस्ट्रेटिंग से बचने के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो है, एक जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है लेजारस करके एक्सटेंशन आता है, ये आप क्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं और मोजिला फायरफॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करना है, और अगर आप मान लीजिए आपका क्रैश सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर आपका शटडाउन हो जाता है और आप डेटा लॉस्ट हो जाता है ऑनलाइन जो भर रहे हो, तो आप उसको इजिली आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, और वेब ब्राउज़र पे जैसे जाइएगा तो आप वहाँ पर लिखिए लेजारस, मैं से जूम कर रहा हूँ, LAZARUS, एंटर मारिए। ठीक है, तो जैसे आपने एंटर किया तो आपको सर्च रिजल्ट पे पहले ही आ जाएगा लेजारस फॉर्म रिकवरी क्रोम वेब स्टोर गूगल, ये मोजिला में भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ क्रोम में जाता हूँ, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है इस तरह का एक्सटेंशन है आपको एक दिखेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एडेड टू क्रोम यानी कि ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है क्योंकि मैं इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये खुलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ग्रीन वाला, तो वो चेकिंग करके और फिर वो एडेड लिख देगा। तो जब आप ऐड हो जाएगा तो आपका इस तरह का आइकन, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का ये आइकन बनेगा। ठीक है, और आप इसे चेक भी कर सकते हो, तो यहाँ पर जो क्रोम है आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसमें आप सेटिंग में चले जाओ, ऐड करने के बाद सेटिंग में जाओगे तो एक्सटेंशन में आप चेक कर सकते हो कि ऑलरेडी आपका ऐड है कि नहीं है। तो आप फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपका ये जो सिंबल देख रहे हो ये लेजारस फॉर्म रिकवरी, अगर आपका ये डिजेबल्ड है तो आप इसको इनेबल कर दो यहाँ पर टिक कर। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी अप्लाई करोगे तो वो सब डेटा जो है आपका सेव होता रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ कि कोई फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो कैसे इसको ये सेव करता है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे एक्सटेंशन। मैं फॉर्म खोल रहा हूँ और मैं फॉर्म खोल के दिखाता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक समझ लो कि आधार ऑनलाइन फॉर्म जो है मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो तो आप कोई भी आप यूज़ कर रहे हो फॉर्म ऑनलाइन तो आप कर सकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सपोज दैट मैं ये एग्जांपल के तौर पे इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, लाइक मैंने नाम लिखा कुछ भी, लाइक राकेश कुमार लिखा, राकेश कुमार लिखा, ओके, पिन कोड मैंने डाल दिया 9876 ये करके डाल दिया, जो भी है वो मैं डाल दिया, और ऊपर का जो ये टेक्स्ट छोड़ दिया मोबाइल नंबर जो है मैंने करके डाल दिया। ओके, सपोज दैट मैंने लिखा राकेश कुमार, पिन कोड जो भी है 09 या फिर जो भी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला, ये फॉर्म है। और अचानक क्या हुआ कि सडनली मेरा जो फॉर्म है वो क्रैश कर गया ये, और या शटडाउन कर गया ये, या रिफ़्रेश हो गया, तो आपका क्या है सारा डेटा लॉस। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया ये सारा डेटा चला गया। तो इसमें क्या होता है जब लंबे लंबे फॉर्म्स आप भरते हो या अप्लाई करते हो ऑनलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपका ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर रखा है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक जैसे कि फुल नेम है, फुल
तो फुल नेम में क्या है कि जैसे आप ने लिखा तो उस पर क्लिक करोगे फुल नेम में, तो आप यहाँ देखना कि उसके राइट साइड में आपको ये लेजरस का जो डेटा है ये आइकन जो है वो आपको दिखेगा और यहाँ डेटा सेव हो जाता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि ये राकेश कुमार यहाँ पे देखो आ गया 09, आपने जो था ये यहाँ पर भी देखोगे ये भी आ जाएगा, डेटा चाहोगे तो वो आपका सेव डेटा जो है वापस आ जाएगा। इस तरह आप जो भी फॉर्म ऑनलाइन भरोगे तो अगर ये आपका एप्लीकेशन यानी एक्सटेंशन जो एडेड है उससे क्या होगा कि अगर आपका किसी भी कारणवश अगर ब्राउजर बंद हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप सेम उसी फॉर्म को खोलोगे और ये आप उस फील्ड में जा कर के वहाँ पर क्लिक करोगे, राइट साइड में ये लेजरस का आपको आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन करते हैं, और आजकल के डेट में तो सारा चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एक्सटेंशन एज आई थिंक। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ऐसे समाप्त करता हूँ, और मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ कि हेल्पिंग अभी में काइंडली आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ जो एक बेल बटन है आप उस पर प्रेस करेंगे तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। वैसे मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो काइंडली करके आप इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें।